गुड मॉर्निंग मैम, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं अभी आपको वो मैं पिक्स शेयर करूँगी। मैंने एक फ़ोन मैनिफेस्ट किया है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे लेना है, लेकिन मेरे को ज़रूरत है। जो अभी मैं फ़िलहाल जो फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, तो वो उसको अभी चेंज करने का टाइम आ गया था, तो पर लेकिन अभी ले पाऊँगी ऐसा सोचा नहीं था। और ये पता नहीं सडनली मतलब कैसे हो गया मैम, ये तो मैंने सोचा था मन में लेकिन लिखा नहीं था, बट फिर भी मैम ये मेरा मैनिफेस्ट हो गया। एक तो मैम ये मैंने मैनिफेस्ट किया। दूसरा मैम, एक जो बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं बोलूँगी, अभी जैसे हम लोग थोड़ा सा फिनेंशियल जिस उससे जा रहे थे, तो मैम वहाँ ये पॉसिबल कैसे हो गया मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। मैम हमने एक प्लॉट लिया है जो मेन सिटी है उससे 40 मिनट्स की दूरी पर, इतना डिस्टेंस है, 1 बीघा प्लॉट है वहाँ पर। तो ये मैम पता नहीं कैसे कैसे वो मैनिफेस्ट हो गया। मतलब जब मैंने वो ज़मीन देखी थी, तो मेरे को बहुत मन में था कि एक मतलब अगर ये हो पाता पॉसिबल, लेकिन जैसे जो प्राइस वगैरह थे वो उस हिसाब से वो नहीं हो पा रहा था, तो फिर उसको हम लोग ने छोड़ दिया। उसके बाद मैम फिर वो पता नहीं कैसे कैसे हो गया, और हमारे साथ में और भी एक पार्टी हमको मिल गई, तो उन्होंने भी वहाँ पर लिया है। तो वो मैम पूरा अभी रजिस्ट्री वगैरह हो गया। मैंने सोचा था कि मैं शेयर करूँगी, जब तक प्रॉपर पूरा हो नहीं जाता पेपर वर्क, तो मैम वो भी रजिस्ट्री वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने मैम एक बहुत बड़ा चीज़ मैनिफेस्ट हुआ है। ये तो मैम दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात जो है मैम, दो तीन चीज़ें और प्रोसेस में हैं, अभी हुई नहीं है पूरी पूरी, तो जब वो हो जाएंगी मैम वो भी मैं ग्रुप में शेयर करूँगी, आपके साथ भी करूँगी। मतलब मुझे बहुत भरोसा है कि जो लाइव वो भी प्रोसेस में है हो जाएगा। ये तो मैम जो चीज़ें मैनिफेस्ट वाली बात हो गई। और एक जो चीज़ मैंने मैम नोटिस करी है कुछ दिन से, जो मैंने आपको मैसेज किया था कि मैं गिर गई थी, तो मैम मैं जैसे गिरी थी ना, मैं मुँह के बल गिरी थी, तो उस हिसाब से मैम मेरे को फेस पे और चेस्ट पे बहुत बुरी तरह से चोट लगना चाहिए था। और जैसे मैं गिरी थी तो पैर पे फ्रैक्चर तो मतलब आना ही चाहिए था जिस तरह से गिरी थी, लेकिन मैम वो हुआ नहीं। लगी काफ़ी ज़ोर से है, अभी भी पेन है, लेकिन जब मैं गिर के उठी ना, तब मेरे को बाद में ये चीज़ रियलाइज़, तब तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, जब घर आई तब ज़्यादा पेन होने लग गया। उसके बाद मेरे को ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं लगता तो मतलब मुझे बहुत बुरी तरह से लगता, लेकिन वो पता नहीं कैसे कुछ मतलब हल्के के ऊपर से वो चीज़ निकल गई। ये शायद मैम हनुमान चालीसा का ही चमत्कार है, मैं तो यही मानती हूँ। और एक तो ये मैम मेरे मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो काफ़ी हल्के से होके निकल जा रही हैं, क्योंकि जो लाइफ में अपनी जो भी चीज़ें वो भी तो फेस करनी ही रहेंगी। और एक चीज़ मैं शेयर करूँगी, जैसे जैसे हम लोग मतलब मैंने जो कोर्स के दौरान जो मुझे फील हुआ, जैसे हम लोग हमेशा एक ऐसा रहता है ना कि मटेरियल वर्ल्ड में जो जो मैनिफेस्ट करते जाएंगे तो एक सक्सेस हो रही है या कुछ ग्रोथ हो रहा है, ऐसा समझते हैं। लेकिन मैम मेरे साथ जो हो रहा है, मतलब मुझे मटेरियल वर्ल्ड में तो हो ही रहा है मैम, जैसे जो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जो मैम मेरे को अपने अंदर जो चेंजेस महसूस हो रहे हैं ना, मुझे लग रहा है मैम मेरा वो डेवलपमेंट, वो जो मुझे मैनिफेस्ट हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा है। काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं मैम। जैसे पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ, जैसे पहले मेरे को क्या होता था, कोई जैसे कुछ हर्ट करके चला जाए या कुछ बोल दे, होता ही है, तो वो मेरे को बहुत दिन तक अंदर ही अंदर मेरे एक चलता ही रहता था। अभी ऐसा हो गया ना मैम, मैं देख रही हूँ कुछ भी होता है वो जस्ट एक ऊपर सरफेस पे रहता है, वो भी कुछ मतलब जैसे घंटों के लिए हो गया या कुछ मिनट्स के लिए हो गया, उसे घटना के ऊपर निर्भर करके, पर वो ना डीप अंदर नहीं जाता। ऐसे लगता है जैसे ऊपर ऊपर ही है वो है और फिर वो वैनिश हो गया, वो अब अंदर जाता ही नहीं है। पहले जैसे मेरे को अंदर ही अंदर चलता था, फिर उसके ऊपर एक और घटना घट गई तो और डीप हो गया, ऐसे अब ये होता ही नहीं है मैम। मतलब वो मेरे एकदम बाहर बाहर रहता है आउटर सर्फेस पे, अंदर का जो चीज़ है मैम मेरा जो इनर पीस है वो मैम मेरा मेंटेन रह रहा है। ये मैम मैंने काफ़ी दिन से नोटिस किया, मुझे लगा था मैं शेयर करूँगी कि थोड़ा सा और मैं इसको देखूं, तो अब मैं ये देख रही हूँ ये मैडम मेरे मतलब परमानेंट जैसा हो रहा है काफ़ी, अब इसमें इतने चेंजेस नहीं आते हैं, ये मैं एक चीज़ मैं देख रही हूँ। और एक चीज़ मैम जैसे मतलब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे जैसे हम होता है ना कि मतलब मैं मेरे को तो शब्द ही नहीं मिल रहे, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे लाइफ का जो अपना पर्पस होता है ना, कि बाकी सब चीज़ बाहर बाहर से चलेंगी, फैमिली भी चलेगा, जो जैसे जो अपना लाइफ है सब कुछ चलेगा, लेकिन जो अंदर का एक जो जर्नी होती है ना, उसको आगे कैसे लेके जाते जाएंगे, मतलब मेरा पूरा फोकस अभी उस पे रहता है। मैं शायद इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ,
कुछ शब्द, अब मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब वो जो मेरे अंदर कुछ एक जो बदल रहा है ना मैम, वो मुझे, और वो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहले जैसे, मतलब और ये चीज़ अभी ना, अभी जैसे मेरे आसपास जो हैं उनको भी ये प्रॉब्लम, मतलब ये मेरे अंदर में जो चेंजेस है वो दिख रहे हैं, कुछ को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ खुश हैं इससे, और मेरे को अंदर में ना एक अजीब सा पीस है मैम, मेरे को एक अजीब सा हो रहा है, जैसे मुझे लग रहा है मुझे जीवन में जो बहुत क्लैरिटी नहीं थी, एक जैसे एक भटक रही थी ना, कभी ये करे कभी वो करे कभी ये कर कुछ कर ले, पर हो नहीं रहा था। अब जैसे सब कुछ बाहर हो रहा है, सारी चीज़ें करनी है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन जो वो एक अंदर में जो मैं, मेरे को खुद अपना कुछ करना है, वो मेरा बहुत अच्छे से मैम अभी क्लैरिटी आ रहा है, बहुत बहुत क्लैरिटी आ रहा है, और ये भी मेरे को बहुत भरोसा है कि मतलब जो भी चीज़ें और आगे आगे, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा जो अंदर से बहुत जो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, जो मैम वहाँ जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ ना, वो मैं शायद मैम बहुत अच्छे से भाषा में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैम मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी उस ग्रोथ से, और मैम यही मैं ग्रुप में भी सबको कहना चाहूँगी कि जो भी आप ने अपनी विशेष लिखी हैं, जो आप चाहते हैं, और जो भी मैम अपना दे, हम लोग को वो देते हैं कोर्सेज वगैरह जो भी दे रहे हैं हम लोग को, उसको एकदम ईमानदारी से करते जाइए करते जाइए, और कब कैसे चीज़ें खुलती जाएंगी खुद भी पता नहीं चलेगा, और मतलब सबकी जो भी विषय सबने अपने लिए डाली है, मेरे को पूरा भरोसा है कि सबको अपने अपने लेवल पे वो ज़रूर से वो चीज़ें मिलेंगी। और मैम आपको तो मैं क्या बोलूँ मैम, बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, थैंक यू, अभी थैंक यू ही शब्द है मैम, और तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, मतलब मैं बहुत, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी मैम आप बहुत लोगों तक पहुँचें, ये कोर्स बहुत 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 लोगों तक पहुँचें, जैसे हमारा जीवन बदल रहा है मैम ऐसे सबका बदले, मेरे तो शब्द भी सब गोल जा रहे हैं इसके, फिर भी मैम आप समझ लीजिए तो थैंक यू मैम, आपको बहुत 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 दिल से थैंक यू मैम, प्रणाम।